पाशा साहब, आज जो है कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत चल रही है, लेकिन मुसलमानों के इदारों में आज भी बीजेपी के चेयरमैन मौजूद हैं। जब बीजेपी की हुकूमत थी तब इन चेयरमैनों ने ओहदा लिया था, आज भी वही अपना ओहदा संभाल रहे हैं। क्यों इसमें बदलाव नहीं ला रहे हैं? क्यों कांग्रेस हुकूमत इन चेयरमैनों की सपोर्ट कर रही है? मुसलमान के ईमान के ऊपर सवाल खड़ रहा है। जो इस्लाम रोकता है वो ही कर रहे हैं, जो इस्लाम के खिलाफ गए, जो बीएल संतोष और बसवराज बोम्मई अमित शाह के साथ जो थे, वही 3 4 5 10 लोग आज जमीर के साथ और सिद्धरामय्या के साथ हैं। तो अब उसको इस्लाम रोक रहा है। ईमान मुसलमान का कांग्रेस वालों के साथ रखे तो कहां है अभी ईमान? उसकी सच्चाई नहीं है, गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं मुसलमान को। ये तमाम सिस्टम बदल के हर का स्टेट के हर गलियों में अर्जी लगाना पड़ेगा कि इनविटेशन लगाना है कि भाई इस लायक का काम कौन करेगा। है अब आपका सवाल है केएमडीसी माइनॉरिटी हज आओ रख बोर्ड, उसके लोग जो सियासत में 50,000 करोड़ रुपए किया है वो लोग नहीं है। हर जगह भी जो हाजियों जा रहे हैं उनमें भी होते हैं। माइनॉरिटी का काम में एक उस्ताद स्कूल का छोटा टीचर वो भी करते हैं। तो हर खरिये में मोहल्ले में अपनी अर्जी लगाई जाएगी। जो आदमी जो मोहल्ले से वोट पड़ा है कांग्रेस को, वहां पे ये चेयरमैन ये फला ये जो चीज के लिए आप अर्जी डालिए, इसी अंदाज से होना, वही मेरी मांग है, वही होना है, नहीं तो गद्दारी है। ईमानदारी के खिलाफ जा रहे हैं, इस्लाम जो रोकता है वही कर रहे हैं। बात आप हज की करें तो हज से यहां पे जा रहे हैं लंगर, कहां का लंगर, जो एयरपोर्ट में उतरे वहां से जब अजीजिया में डाले, वहां से 5 10 किलोमीटर ज्यादा आपने काबतुल्लाह की देखने की ख्वाहिश में लोग मेरे हजियान चले, वहां से ये कमरे में 10 औरत या 10 मर्द इन्हें बगैर इन्हें महरम का ख्याल नहीं रखते हुए जो कर रहे हैं वो, अपना मीना मुजदलिफा में जो तकलीफ आ रही है वो, ये तमाम हज कमेटी का काम है। नहीं तो हज कमेटी जीरो है। ये जायत्रा जो लग रहा है उसमें जमा है, अपना पासपोर्ट लेके जाके सीधे जा सकते हैं ना, क्या जरूरी है ये तमाम पासपोर्ट वीजा के साथ हज कमिटी यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जा सकते हैं। ये जो मेला लगा रहे हैं, ये जो लंगर लगा है, ये जो जायत्रे में जो जमा रहे हैं तुम्हें, ये तमाम चीज आके तकलीफ हजियों को ज्यादा है, ये दिया जा रहा है उसके ऊपर किसी को ख्याल नहीं है। तो तमाम लोग अर्जी के साथ कम से कम 50,000 अर्जी सरकार को आना है, इसमें पब्लिक पसंद करके जो चेयरमैन कांग्रेस के नाम से कांग्रेस जो डालेगा, बीजेपी की जो खाई 2024 की लोकसभा की कांग्रेस के सर के ऊपर रख के जो आ रहे हैं और जिसका साथ जमीर अहमद और सिद्धरामैया दे रहे हैं, ये सरासर गलत है, ईमान के खिलाफ है, मुसलमान के ईमान के खिलाफ जा रहे हैं। जो अल्लाह हदीस और कुरान में रोका है वही काम हो रहा है। इतना ही बोलना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि औरत मर्द हाजियों में जिस पैसों के साथ कई सालों की मुद्दतों के बाद जा रहे हैं, उनका एहतराम काबतुल्ला के सामने अपने कमरों में अपने जो अजीजिया बोलते हैं 14 18 16 12 किलोमीटर वहां से जो रखा है, ये तमाम चीजों के ऊपर कोई उलोमा की कभी दुआ नहीं हुई है। वो छोड़ के महरम के खिलाफ कर्नाटक के जो उलमा जम रहे हैं उन्हें भी वही दुआ ना करे, करे नहीं, और ये खिलाफ जा रहे हैं, ये होना नहीं चाहिए। ऐसे हज कमेटी में ऐसा काम, ऐसा चेयरमैन जो संगी है, अपना शाफी सादी संगी की जात है उसकी, वैसे आदमियों को और जितने भी हैं कांग्रेस को रखेंगे तो सिद्धरामैया जमीर अहमद और जितने भी लोग हैं रहीम खान, उनकी कोई पावर नहीं है उसमें। ये पावर दिया गया है मुसलमानों को से, मुसलमानों के कोई मोहल्ले में एक चिट्ठी लगाए नहीं है तीन जनों, चिट्ठी लगा के सही चेयरमैनों को सही उस्तादों को उस जगह पे लाना है,
नहीं तो ये तीनों का काम, तीनों का जो मिनिस्ट्री और जो काम मुसलमानों के लिए किया जा रहा है वो बेबुनियाद है।